Welcome back to my channel. This is Supriya and I am back again with another hair color video. So this time I am going to ombre my hair at home. I am using this Garnier Nutrisse Ultra Color Nourishing Color Cream which is in the color goji berry. So let's start with the tutorial. बाल डिटैंगल करने वाली हूँ उसके बाद मैं अपने बालों को डिवाइड कर लूंगी नीचे इतना सेक्शन छोड़ के ये मैं सेक्योर कर लूंगी पीछे के बालों को सामने लाना है तो पहले ग्लोव्स पहन लेती हूँ आप देख सकते हैं इस बॉटल का कलर गोजी बेरी नीचे का पहला सेक्शन उसको मैं दो में डिवाइड करूंगी वो जो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस है वो मेरी बेटी है फिर ऐसा मैं ये थोड़ा थोड़ा कलर डाल के स्प्रेड करूंगी मैं बस नीचे के सेक्शन में लगा रही हूँ मतलब इतनी अगर लेंथ है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है फिर इसको पीछे छोड़ देना है नेक्स्ट सेक्शन ये वाले सेक्शन को मैं अपने पिंकी फिंगर से ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड करूंगी मतलब स्क्रैच कर रही हूँ अब ये सेक्शन भी मुझे सेम करना है अब मैं और एक लेयर लूंगी बालों का और एक लेयर छोड़ के बाकी के बाल में फिर से सिक्योर कर लूंगी अब ये सेक्शन को जो सेकेंड लेयर है बालों का उस सेक्शन को मैं थोड़ा सा और ऊपर तक लगाऊंगी इनके साथ इस लेयर के साथ भी मैं सेम कर रही हूँ अपने पिंकी फिंगर से थोड़ा सा स्क्रैच कर रही हूँ मुझे रिमेनिंग लेयर कलर करना है तो ये जो कलर्ड वन है इसको मैं सिक्योर कर लूंगी अब इन्हें भी मुझे सेम करना है मतलब हाफ लेंथ तक कलर करना है मतलब इतना लेंथ है तो मैं इतना यहां से स्टार्ट करूंगी कलर मुझे थोड़ा सा बोल्ड कलर चाहिए तो मैं थोड़ा और लगाऊंगी टिप्स पे तो ये मेरे सामने के फ्लिक्स है मतलब जो छोटे बाल है उनको मैं पूरा कलर करूंगी मुझे नीचे से थोड़ा ज्यादा बोल्ड चाहिए इसलिए मैंने सारे हेयर एक साथ कर लिए हैं मैं सिर्फ यहाँ नीचे लगाऊंगी तो
I'm done with the application. पूरे hair पे मैंने अच्छे से लगा लिया है और थोड़ा सा face पे भी लग रहा है तो मैं जल्दी से पोंछ लेती हूँ. ये तो निकल जाएगा because मैंने थोड़ा सा vaseline लगाया था तो वो निकल जाएगा. अब मैं इसे 25 minutes तक रखूँगी, 25 to 30 minutes तक रखूँगी. फिर उसके बाद मैं वॉश करूँगी विथ कंडीशनर. फिर उसके बाद रिजल्ट मैं आपको बताऊँगी.